क्या खेल खेला तुमने? आप इसे क्यों बोल रहे हो रमन? तो क्या है, बोलने से पहले सोच लेना कि हर रिश्ते में ना झूठ बोलने की हद होती है और तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। एक और झूठ हमारे रिश्ते को तोड़ सकता है। रमन इसे क्यों बोल रहे हैं आप? You know what? आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना कि रोना भी नहीं आ रहा। नफरत नहीं कर सकता क्योंकि प्यार करता हूं, और क्योंकि प्यार करता हूं अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे। क्या मिला तुम्हें सब करके? हाँ सॉरी क्यों? और वैसे तुम अकेले क्यों सॉरी बोल रही हो? हाँ गब्बर सिंह अकेला खड़ा है क्यों? कालिया सांबा कहाँ गए तुम्हारे? कहाँ है तुम्हारी गैंग? गैंग? हाँ गैंग। लो बड़ी लंबी उम्र है तेरी यार, कानून के हाथ लंबे होते तेरी तो उम्र लंबी हो गई। ये नहीं तुम्हारी गैंग। कहाँ गया तुम्हारा वो दूसरा गैंग मेंबर? जब लोग मिलके भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते ना तो उसे टीम नहीं गैंग कहते हैं। रमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो प्लीज तो बात मत ही कर, तो अच्छा होगा तेरे। तुम्हें जरा से भी शर्म आई? 3 महीनों से तुम्हें अंदाजा है कि इस पूरे घर में क्या बीत गया है। चेहरे दिख रहे इनके तो भूल गई तुम्हें दो बच्चे जो सीमा बुलाते हैं। मेरे बेटे को तुमने कहा कि उसकी मां मर गई है, क्या मिला तुम्हें करके? हा रमन प्लीज तुम मत बोल यार। हम अंदर चल के बात करें प्लीज। क्यों अंदर चल के? क्यों भूत तो तुम्हें सबके सामने आया था। हा? इशिता में शगुन का भूत तो सबके सामने आया था ना, झूठ सबके सामने बोला ना, सफर सबको करवाया तुमने, तो अकेले में कोई बात नहीं होगी। ना तुम्हें अकेले में माफी मिलेगी ना सजा, फैसला सब मिलके करेंगे। चलो बोलो क्या बोलना। आई प्रॉमिस आई वोंट टॉक। बोलो को यकीन हो या ना हो, लेकिन सच यही है कि अशोक से इनकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने ये सब किया। आपकी जान को खतरा था, अशोक ने धमकी दी थी, मुझे नहीं शगुन को धमकी दी थी। वो चाहता था कि शगुन जाके मारे आपको। शकुन ऐसा नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद भी उसने हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी। रमन हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों की जान को खतरा था रमन। मैं क्या करती और अगर मैं आपके साथ ये सब नाटक नहीं करती तो हमें उस खबरी का पता नहीं लगता। अशोक को पकड़वा भी देते एक बार, लेकिन फिर भी वो खबरी तो हमारे घर में बैठा रहता था रमन। इसीलिए आपकी जान बचाने के लिए हमें ये सब नाटक करना पड़ा रमन। खड़ा क्या है, ताली मारना? ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है ये। कोई ट्रॉफी है घर में हमारे? कमा एक्चुअली एक ट्रॉफी है मेरे पास जिसकी घर में कोई जरूरत नहीं। रुक जा तो मरी नहीं। ये लो मैं खेल का इनाम। आप धन्य है अम्मा, लोग बेटियां पैदा करते आपने देवी पैदा कर दी। जगत माता बनने का बहुत शौक है ना। महानिशी मां महानिशिता, मेरी जान बचाने के त्याग की देवी, आप बलिदान की देवी। लेकिन यू नो व्हाट, मैं बलिदान का बादशाह नहीं हूं। अपनी जान के सदके में मैं इन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। परिवार है मेरा, मेरी मां मेरी बहन मेरे घर वाले डरते हैं तुमसे। मेरे बच्चे जो तुम्हें इसी मां बोलते हैं तुम्हें देखकर कांपते हैं। तुम्हारी वजह से आज इस मोहल्ले में हम किसी से आंख नहीं मिला सकते। क्या
कुछ नहीं किया तुमने, इनफैक्ट क्या कुछ नहीं किया हमने। एक बार सोचा अपनी मां के बारे में, अरे इनको तक चोट पहुंचा दी तुमने, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। एक इंसान को बचाने के लिए 100 लोग को तुम तकलीफ नहीं दे सकती हो, और तू एसीपी पुलिस वाला है ना। एक्चुअली पता है रोमी, मुझे आज समझ में आया कि पब्लिक पुलिस से डरती क्यों है, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्ट कहां करती है, पुलिस तो फ्रॉड करती है, खेल खेलती है मिलके, जैसा कि इसने खेला। रमन 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 लिसन टू मी, देखो तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन हमारे पास अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अच्छा मेरे लिए किया, क्यों? अशोक खन्ना ने आज तक क्या उखाड़ लिया मेरा, जो तुमने सब मेरे लिए किया है? दोनों हाथ सलामत, दोनों पांव सलामत, खड़ा हूं अपने पांव पे, जहां पहुंचा अपने दम पे पहुंचा। अशोक कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेरा, और आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और ये बात तुमसे ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। रमन, अशोक से डर नहीं है उतना जितना कि उसका एक खबरी हमारे घर में बैठा है उसका डर है हमें। अशोक खन्ना का एक खबरी है जो हम लोग के बीच में है, वो हमारे घर की एक एक खबर अशोक खन्ना को दे रहा है रमन, एंड आपकी जान पे लगातार खतरा बना हुआ है, और आप पे बहुत हमले हुए जो कि आपको भी नहीं पता है रमन। आपको बचाते आए हम लोग जब से रमन, सिर्फ आपके लिए सब कुछ किया, और हम नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, कि अब तुम्हारे लिए ये बाहर वाले ज्यादा अजीज हो गए, ये शगुन एसीपी रमन सब आपके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए किया होता ना तो एक बार बोल दिया होता, नहीं तो उससे वादा किया था ना, हाँ, कि कोई बात नहीं छुपाएंगे, कसम खाई थी जूसे की सर की। चलो अशोक तो दुश्मन है, मारेगा, तुमने क्या सोच के कसम तोड़ दी? इसी तरह ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जो हम दोनों मिलके जिसे सोचा नहीं सकते? जितनी तकलीफ इतने सालों में अशोक ने मुझे नहीं दी है ना, तुम्हारे इन 3 महीनों ने मुझे दी है। अशोक खन्ना, and you know what? आज के बाद मेरे परिवार पे उंगली मत उठा। हाथ जोड़ता हूं, शायद हिंदुस्तान में किसी पति ने किया ना हो, तुम्हारे पाव पढ़ लेता हूं, प्लीज। मेरा परिवार मैं जानता हूं, जो मेरे अपने थे वो अभी भी हैं, हाँ कुछ जो अपने थे वो अब धीरे धीरे पराए हो रहे, क्या करूं, किस्मत खराब है। अशोक ने फिर मेरी बीवी छीन ली। अशोक खन्ना 2 रमन पलासी। कुछ कहना है अभी? आर यू गाइस डन? ठीक है चलो, तो कंक्लूजन मैं ही दे देता हूं। इस घर में तुम रहो, इस घर की बहू, मेरे बच्चों की मां। एक्चुअली अच्छा हुआ मंगलसूत्र नहीं पहना है ना, पहनना भी मत, हमारे रिश्ता खत्म। रखेगा।
मैं जानता हूँ आप मुझसे पापा और रूही से बहुत प्यार करते हो शिवा, प्लीज डोंट क्राई शिवा, प्लीज आप हमें कभी हर्ट नहीं करोगी, आई नो रूही भी मुझे माफ नहीं कर पाएगी ना। अगर रूही होती ना तो पापा को बहुत डांटती, उन्होंने आपसे इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया। अब देखना वो तो अभी शैला बुआ के घर पे गए ना, जब वो आएगी ना सबको सबक सिखाएगी। आप प्लीज डोंट क्राई। आज आप मेरे कमरे में सोओगे मेरे साथ, चलो चलो इशिबा प्लीज। इस सारे का फोन क्यों नहीं कर रही? हेलो। हाँ सारे का, क्या हुआ? हाँ हाँ वही हुआ है जैसा तुमने सोचा था। क्या रमन ने इशिता को घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, लेकिन सबने उनको बहुत कुछ सुनाया है। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। रमन भैया ने ना जाने उन्हें क्या क्या कहा है, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी उनका साथ नहीं दिया। That is also very good news. देखो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। इशिता अब उस घर में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, कुछ ही दिनों में उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तुम अपना काम अच्छे से करते रहना और जैसा मैं तुम्हें बताने वाला वैसे। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अगर अशोक को मेरा ये राज नहीं पता होता ना तो मैं इसका साथ कभी नहीं देती। आप इतनी रात तक जगे हुए, सोए नहीं? एक्चुअली रमन और ईशु के बीच में जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी तो कॉफी बना के बैठ गया। लेकिन हाँ बेटा तुम इतना देर से कैसे आए, लगता है काम बहुत बढ़ गया। अच्छा कॉफी पियोगे, मैं लेके आता हूँ। नहीं अब्बा प्लीज, कॉफी की जरूरत नहीं है, मैं अब जाकर सीधा सोऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, काम काफी बढ़ गया, काफी प्रेशर हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे टैकल करूं। बाला जी वो आज श्रीनिवासन का फोन आया था, उसका बेटा तुम्हारी क्लासेस में पढ़ता है, उसी ने बताया कि तुम्हारी क्लासेस में क्या हो रहा है या क्या हुआ। बेटा आई नो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो, लेकिन बेटा हर चीज का बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है। आई नो कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाया जाता है, लेकिन बेटा हमें पैसे से ज्यादा इज्जत कमानी है। जी अब्बा मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। एक मिनट अब मैं नहीं, नहीं तुम बात करो मैं आता हूं। जी अब्बा। हेलो। देखो बाला आज तो तुमने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी पूरी कमिटमेंट चाहिए। अरे तुम्हारी वजह से मैंने हकी कमिटमेंट कर दी है, अब दो दो नावों में सवारी करोगे तो कैसे चलेगा बाला? मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें बस अपनी क्लासेस की पड़ी है। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ और अब अगर मैं पीछे हटाना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम किसे टाइम देना चाहते हो, अपनी क्लासेस को या फिर ट्रेनिंग सेंटर को। खोसला जी मेरी बात तो सुनिए, मैं ऐसे रातों रातों कोई डिसीजन ले नहीं सकता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स का सवाल है। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं और उन लोगों के फाइनल एग्जाम भी अब बहुत नजदीक आ गए हैं, और मैं रातों रात
अपने स्टूडेंट्स को डिच करके क्लासेस इस तरह से बंद तो नहीं कर सकता ना। फिर उनके पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया है मुझ पे खोसला जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, पैसे भरे हैं। अरे फिर मेरे विश्वास और पैसों का क्या? अगर ये ट्रेनिंग सेंटर जल्द से जल्द नहीं शुरू किया गया तो तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। खोसला जी मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तुम नहीं समझ रहे हो बाला। अरे बिजनेस में ना सिर्फ एक ही चीज जरूरी होती है और वो है पैसा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। हेलो रमन भैया प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने खाना नहीं खाया इसलिए किसी ने भी नहीं खाया है, बच्चों ने भी नहीं। प्लीज रमन भैया दरवाजा खोलिए प्लीज। रमन भैया मैं जानती हूँ आप बहुत अपसेट हो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं, घर में सबको सबको क्या खा ले और बच्चों को खिला दे। रमन भैया मैं ट्राई करूंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खाने वाला है। सब लोग इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत शॉक्ड है, मैं भी हूँ। मतलब भाभी ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, इतना बड़ा नाटक। बस उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, जा यहाँ से। मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट हैं, मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हो गए हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि इशिता भाभी को हमेशा मैंने अपना रोल मॉडल समझा है और इशिता भाभी ने जो इतना बड़ा नाटक किया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी तो चलती रहती है और मुझे पता है कि आपका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा होगा, कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। रमन भैया अगर आप ने आपको नहीं संभालेंगे तो हम लोगों को कौन संभालेगा। प्रॉब्लम क्या है सारिका? हाँ जब देखो तब फोन पे लगे, क्या है ये, क्या रोमी, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? हाँ अरे वो मैं रमन भैया को खाना देने गई थी ना तो आशा का फोन आ गया था बस। क्या आशा, आशा आशा कौन है ये आशा? जब देखो तुम्हें फोन करती रहती पूरा टाइम। घर के हालात देखो सारिका, तुम्हें क्या हो गया है? रोमी रो, मेरा फोन तो दे। फोन अपने पास रख रहा हूँ, एक दिन दोस्त से बात नहीं करोगे तूफान नहीं आ जाएगा। अगर अशोक ने दोबारा फोन किया तो उसे बताना होगा कि मेरा फोन मेरे पास। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।